Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. ऐसे कौन से unknown facts हैं जैन धर्म के बारे में जिसे आपको लगता है कि जो newer generation है जो जैन धर्म से belong करते हैं उनको पता होनी चाहिए? तो पहले देखिए, जब मैं लिखता हूँ किताब, मेरे सामने दो शब्द होते हैं, एक है अनेकांतवाद, दूसरा है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। तो मैं ये दो लाइन हमेशा, यानी कि जब मैं किताब भी लिखता हूँ, मुझे पता है मैं सब कुछ नहीं लिख रहा, इसमें गलत चीज़ें भी शायद मेरे, बिकॉज कितना आप करोगे रिसर्च, जितना भी करोगे, ये सागर है, हरी अनंत, हरी कथा अनंत, कभी नहीं खत्म होगा। मैं केवल एक थोड़ा सा पानी अपने हाथ में ऐसे लेके थोड़ा किताब में डाल रहा हूँ। तो मैं हर आप मेरे शोज में भी देखे होंगे, मैं हमेशा कहूँगा कि सनातन सत्य, यू नो, अनंत पुराणों में छिपा है सनातन सत्य, ये सब किसने देखा? वरुण के हैं 9000, इंद्र के 100, मेरे आपके और मेरे केवल 2। ये मैं 30 साल से लाइन बोल रहा हूँ, तो लोगों को लगा कोई वेदों से निकाला है, मैं खुद लिखा हूँ। तो बेसिकली दिखाने के लिए, मेरी किताब भी जब पढ़ रहे हो, प्लीज़ याद रखो ये सब कुछ नहीं है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, ये तो ये एकेडमिक टेक्स्ट बुक नहीं है, ये लोगों तक ये ज्ञान पहुँचाना। इट्स जस्ट सैड कि मेरा जो इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट है, लोगों को लगता है बहुत है, बिकॉज ये हमारा देश है, ये दिस विल बी 0.1% ऑफ भारत का ज्ञान। और आपने शो से शुरुआत करने से पहले भी मुझसे एक चीज़ बोली थी कि इसमें तर्क हो सकते हैं और आप तर्क करिएगा मुझसे, आपने ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म मेरे लिए खुला छोड़ा था। सो द थिंग इज, आई सेड तर्क नॉट विवाद। सो द थिंग इज, सो यू द क्वेश्चन वाज अराउंड ऐसे अननोन फैक्ट्स। सो द अभी देखिए, हम लिखते हैं हम देवनागरी स्क्रिप्ट लिखते हैं, इसका जो मदर ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट है उसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं। ब्राह्मी, ये ब्राह्मी शब्द जो है, ये ऋषभ देव के, मैंने 100 पुत्र के बारे में बात की, तो ऋषभ देव की 2 बेटियां भी थी, एक है ब्राह्मी, एक है सुंदरी। ब्राह्मी को पिता ने कहा कि दुनिया को जाके सिखाओ लिखते कैसे हैं, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिपि जो है वो ब्राह्मी दुनिया में, तो एक स्त्री फीमेल फॉर्म से, तो हम कभी नहीं सोचते हैं ना, लिख कौन लिखा है, हमारे मन में होता है कि हाँ ब्राह्मी के मैन ही लिखा होगा, लेकिन जैन धर्म में बताया गया है कि ब्राह्मी, अ वुमन वॉज टॉट द राइट आर्ट ऑफ राइटिंग, मैथमेटिक्स, गणित वो सुंदरी को दिया गया। सो जितने भी मैथमेटिक्स हैं वो भी ऋषभ देव की बेटी सुंदरी को दिया गया और उन्होंने इसका प्रचार किया, इसलिए आज हम मैथमेटिक्स और लैंग्वेज दोनों, वी कैन राइट, रीड, राइट एंड डू मैथ्स बिकॉज ऑफ ब्राह्मी एंड सुंदरी। अभी आई थिंक दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, बिकॉज हर चीज़ केवल पुरुषों, जो भरत पुरुष, बाहुबली पुरुष, ऋषभ देव पुरुष, महावीर जी पुरुष, बुद्ध पुरुष, स्त्री कहाँ है? तो स्त्रियों की भी कथाएँ हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ब्राह्मी और सुंदरी एंड दे आर राइटिंग दिस स्टोरी। सो आई थिंक दिस आइडिया, जब अननोन की बात करते हैं, या फिर जैन रामायण भी है, जैन महाभारत भी है, जो हिंदू रामायण और हिंदू महाभारत से अलग है, बट है कथा। और जैसे जैन महाभारत में युद्ध कृष्ण और जरासंध के बीच में होता है, यहाँ पे पांडव कौरव को इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं दिया गया है, केवल कृष्ण और जरासंध के बीच में, कृष्ण को वासुदेव कहा गया है और जरासंध को प्रतिवासुदेव कहा गया है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, तो ये अलग कहानी है। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा है। हमने सुना है कि लव और कुश श्री राम से युद्ध करते हैं, ये जो कथा है ये वाल्मीकि रामायण में मुझे नहीं मिला। तो फिर एक स्कॉलर ने मुझे कहा कि पहली बार ये विमल सूरी ने अपने पौम चरित्र यानी कि जैन रामायण में ये अध्याय डाला है कि सीता के बेटे लव और कुश जब राम के साथ वो अश्वमेध यज्ञ के समय युद्ध करते, ये जो प्रसंग है वो वाल्मीकि रामायण में ऐसे नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में राम, लव और कुश अपनी कथा बताते हैं राम को, उसी समय वाल्मीकि जी आके कहते हैं कि आपके पुत्र हैं, और प्रॉब्लम उसमें वो अश्वमेध युद्ध के बारे में कोई नहीं है, इसका डिटेल्स नहीं मिलते हैं। तो यानी कि ये सब कथाएं एक ही, जैसे एक ही वन है और वन में अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, एक पेड़ जैन रामायण हो गया, एक पेड़ हिंदू रामायण हो गया, फिर अलग अलग प्रकार के, जैसे कि रामायण का एक जैसे फॉरेस्ट है, महाभारत का एक और फॉरेस्ट है, अलग अलग प्रकार की स्टोरीज। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश में
एक पेड़ नहीं, अलग अलग प्रकार के पेड़, वन, फल, फूल और सब में ज्ञान बैठा हुआ है।